हाय गाइज, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक नई अपडेट लेकर के आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, UPPCL में एक अवमानना याचिका संख्या 2721/2005, जिसमें हीरा लाल व अन्य थे। ये याचिका संख्या आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में पड़ी हुई थी, जिसका कोर्ट के आदेशानुसार जो मास्टरल कार्मिक थे उनको ज्वाइनिंग देनी थी, जिसके लिए उन्होंने एक टेस्ट परीक्षा कराई और उसके आधार पर उन्होंने कुछ कार्मिकों को सेलेक्ट किया था। और इस पर मैंने वीडियो दो दिन पहले डाला था कि कौन कौन से कार्मिक ऐसे जिनको श्रमिक पद पर चयन किया गया है। अब उनका जो है डिस्कॉम लिस्ट आयोग ने डाल दिया है। तो आपको बस मैं यही सूचना देना चाह रहा था कि आपका डिस्कॉम कौन सा मिला है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आप अपने डिस्कॉम में जाकर संपर्क कर सकें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से लेटर 27/5/2022 को जारी हुआ है, लेकिन विभागीय साइट है, ऑफिशियल साइट है, उस पर जो अभी कुछ ही देर पहले अपलोड किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल्स दिया गया है कि किस तरह से इनको चयन किया गया और उनकी रिट संख्या क्या थी। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने एक लिस्ट डाली है, यहाँ इनका कंट्रोल संख्या दे रखी है, छटनीशुदा मस्ट्रॉल कार्मिक का नाम यहाँ पर दिया गया है, जिनके नाम से देखो रिट पड़ी थी पहले नंबर ऊपर दिया गया है इनका नाम, और इनके पिताजी का नाम क्या है और गृह जनपद इनका क्या है और इनको कौन सा डिस्कॉम दिया गया है। तो यहाँ अपना आप डिस्कॉम देख सकते हैं कि आपको कौन सा डिस्कॉम दिया गया है। टोटल के टोटल ये सभी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में गए हैं, इनको वही डिस्कॉम मिला है, मध्यांचल डिस्कॉम। अब इनका जो डिस्कॉम अलॉटमेंट आ गया है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो आपका जॉइनिंग देंगे आपको, वो जो है इस बात को चेक कर लें कि आदमी यानी कि जो कार्मिक है जिसको श्रमिक पद पर नियुक्त किया गया है, वो वही आदमी है जिसका अभिलेखों में नाम दर्ज है, कोई अन्य तो नहीं है, और इनके फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी, ये सारी चीज़ें मिला करके कंफर्म कर लें कि जो मस्ट्रॉल कर्मी है वही है, कोई और तो नहीं। और संगत सेवा विनिमय में निहित प्राविधानों का अनुपालन तथा मस्ट्रॉल कर्मियों के अभिलेखों की मूल प्रमाण पत्र से जांच करके अपने स्तर पर करना जहाँ, जिससे कोई दिक्कत बाद में ना आए। तो ये तो आपका था डिस्कॉम अलॉटमेंट का डिटेल। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप डिस्कॉम तो आपको अलॉट हो ही गया है, अपने डिस्कॉम में जा करके मिल लेंगे, वहाँ से आप जा करके जोन अलॉट करा लीजिए अपना, या वहाँ से जोन अलॉट होगा ही अपने आप से, लेकिन आप वहाँ चले जाएंगे, मिल लेंगे, तो आपको मनपसंद जोन मिल सकता है जानकारी करने पर। तो इस तरह से आपको वहाँ जोन अलॉट हो जाएगा, फिर जोन मिल जाए तो फिर आप जोन में चले जाइए अगले दिन और वहाँ जानकारी कर लीजिए कि आपको सर्किल कौन सी मिलेगी, आपके नज़दीक जो सर्किल पड़ती हो उसको अलॉट करा लीजिए, इसी प्रकार से फिर डिवीज़न अलॉट करा लीजिए जो आपके नज़दीक पड़ता हो, वहाँ से अगर डिवीज़न आपको अलॉट हो जाए उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा हैंड टू हैंड, और ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, अपने टोटल दस्तावेज लेके चले जाएंगे, ओरिजिनल और कुछ फोटो कॉपी और फोटो, जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत ना आए। वीडियो में अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।